नमस्कार दोस्तों, 14 दिसंबर में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों 14 दिसंबर में मेरे पास अभी तीनों नया टॉपिक आए हैं और इस नया टॉपिक को लेके हम डिस्कस करेंगे। कुछ कुछ टॉपिक मेरा जो सब्सक्राइबर है व्यूअर ने पूछा था, तो वो भी आज हम मेरा इस वीडियो का माध्यम से डिस्कस करना चाहते हैं। अगर आप मेरा चैनल में नए हो तो प्लीज मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसको दबा के रखिए। और मैं इंस्टाग्राम में भी हूँ, आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हो। आइए दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो हम शुरू करते हैं। दोस्तों आज का जो मेन जो टॉपिक है, शॉर्टेज ऑफ बैंक स्टाफ इन पब्लिक सेक्टर बैंक। तो दोस्तों IBPS एग्जाम जो होने वाले हैं, इस एग्जाम में बहुत बैंक अभी तक इंक्लूड नहीं हुआ है। और अगर आप ब्रांच में जाते हो तो ब्रांच में बहुत सारे बैंक स्टाफ आपको कम देखने के लिए मिलेगा। इसका वजह है, सबसे कम स्टाफ है हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक में। इसी बीच लोकसभा में एक पत्र जारी किया है, इस पत्र में बता रहे कौन सा बैंक में कौन सा स्टाफ अभी तक वैकेंट पोजीशन में है। पहले ही है बैंक ऑफ इंडिया, उसके साथ साथ बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, कनाडा बैंक, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो टोटल मिला के जो क्लरिकल पोस्ट है दोस्तों, तो जो क्लरिकल पोस्ट है इसमें जो वैकेंट पोस्ट है 41,477, मतलब मान के चलिए 41,000 पोस्ट अभी तक वैकेंट है। इसके लिए गवर्नमेंट कुछ भी कदम नहीं उठा रहा है। तो दोस्तों एक बात आप समझ सकते हो, जो बैंक एम्प्लॉय से, मतलब पब्लिक सेक्टर बैंक एम्प्लॉय से, उन लोगों को कितना भार, कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके वो लोग काम करते हैं। कुछ कुछ टाइम में तो बैंक एम्प्लॉयज अपने लंच और टिफिन भी नहीं करते हैं। दोस्तों आप सोच के हैरानी होंगे दोस्तों, 10 बजे से बैंक शुरू होता है, उस 10 बजे में बैंक एम्प्लॉयज बैंक में आ जाते हैं, उस टाइम से वो लोग काम करते हैं, वो लोग लंच करने का भी टाइम नहीं मिलता, एक कप चाय पीने का भी टाइम नहीं मिलता दोस्तों, इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके ऊपर। लेकिन हमारे गवर्नमेंट को इससे कोई भी बुरा नहीं लगता है। वो लोग अभी तक जो 41,000 वैकेंट पोस्ट है, इस पोस्ट को फुलफिल नहीं करेंगे। बहुत बहुत बुरा लग रहा है। सेकेंड जो टॉपिक है दोस्तों, वो है स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट इन 11th बाइपार्टाइट सेटलमेंट। अभी तक कोई भी यूनियन ने 11th बाइपार्टाइट सेटलमेंट का जो स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट है, इनके बारे में भी अभी तक कोई भी ऐसा न्यूज नहीं आ रहे है। तो IBA AIBA सब लोग चुप है स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट इन 11th बाइपार्टाइट सेटलमेंट को लेके। उसके साथ साथ जो मेरे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर ने पूछा था, रूरल बैंक का फैमिली पेंशन कब होगा, तो उन बैंकों को जो फैमिली पेंशनर है उन लोगों को मैं बताना चाहती हूँ, पहले पब्लिक सेक्टर बैंक का जितने भी फैमिली पेंशन है सब कुछ क्लियर हो जाएगा। लेकिन अभी तक कुछ कुछ बैंक है उन्होंने फैमिली पेंशन नहीं दिया है, जैसे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, उसके साथ साथ इंडियन ओवरसीज बैंक का कुछ एम्प्लॉय ने एम्प्लॉय फैमिली पेंशन अभी तक पेंशन नहीं मिला है। लगभग 1000 इंडियन ओवरसीज बैंक का फैमिली पेंशन अभी तक पेंडिंग में है। बैंक ऑफ इंडिया का भी बहुत सारे फैमिली पेंशनर पेंडिंग में है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का भी पेंडिंग में है। तो पहले
पब्लिक सेक्टर बैंक का क्लियर होगा, उसके बाद रूरल बैंक का फैमिली पेंशन शुरू होगा। एक बात मैं बताना चाहती हूँ दोस्तों, अभी तक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और पंजाब एंड सिंध बैंक और पंजाब नेशनल बैंक का फैमिली पेंशन का कोई भी अपडेट और कोई भी ठोस सबूत मेरे पास नहीं है, लेकिन आशा यही कर रहे हैं हम जनवरी के एंड तक आपको फैमिली पेंशन मिल जाएगा। इसी के साथ वीडियो इधर ही खत्म करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और नॉलेज आईक्यू टीवी को सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।